बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डीएनए डे है, बहुत ही स्पेशल दिन, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डिस्कवर किया था और 2003 में कंप्लीट ह्यूमन जीनोम हमारे सामने आया। और डीएनए की इतनी सारी एप्लीकेशन है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू मेडिसिन में, फोरेंसिक में, हर फील्ड में जो मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है, इसकी इनॉर्मस एप्लीकेशन है। पूरी दुनिया में ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन की मुनासबत से आज हम आपको घरेलू चीजें इस्तेमाल करते हुए डीएनए एक्सट्रैक्ट करना या डीएनए निकालने का अमल सिखाएंगे। उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए मैं सबसे पहले बता देता हूँ। आपको एक प्लास्टिक सीलिंग बैग चाहिए। प्लास्टिक सीलिंग बैग के अलावा जिस मटेरियल से आपने डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है, आज हम आपको स्ट्रॉबेरी से डीएनए निकालना सिखाएंगे। तो आपको वो जो मटेरियल जिसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट करना है वो चाहिए होता है। आप बनाना से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है स्टिक यूज कर सकते हैं, जिससे आप जो है हलाएंगे या डीएनए देखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिंपल प्लास्टिक के जो है वो कप यूज कर सकते हैं या ग्लास यूज कर, ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, थोड़ा इजी होता है, आप दूसरे वाले भी यूज कर सकते हैं। आपको एक स्पून चाहिए, टीस्पून यूज करें तो ज्यादा अब बेहतर है। इसके लिए आपको आप एक फिल्टर पेपर यूज कर सकते हैं, आप कॉफी का पेपर भी यूज कर सकते हैं या आप कोई कपड़ा भी यूज कर सकते हैं फिल्टर करने के लिए, जो अभी आपको हम डेमोन्स्ट्रेट अभी करेंगे। इसके लिए आपको अल्कोहल चाहिए है, साल्ट चाहिए, ये घरेलू जो हम नमक इस्तेमाल करते हैं ये वो नमक है, वो इस्तेमाल करने के लिए चाहिए होगा। इसमें हमें वाटर चाहिए होगा और इसमें हमें डिटर्जेंट चाहिए होगा। ये डिटर्जेंट जो है आप शैम्पू भी यूज कर सकते हैं, सोप भी यूज कर सकते हैं और जो लिक्विड डिटर्जेंट होते हैं वो भी यूज कर सकते हैं। तो आप ये अमल कैसे करते हैं, सबसे पहले जो है जो भी मटेरियल जिससे आपने एक्सट्रैक्ट करना है, मसलन आज हम स्ट्रॉबेरी से करें, तो स्ट्रॉबेरी इसका जो ग्रीनी लीफी पोर्शन है इसको आप सबसे पहले जो है वो रिमूव कर देंगे, जिस तरह से मैं रिमूव कर रहा हूं। और उसके बाद हमने इसको जो प्लास्टिक सीलिंग बैग है इसके अंदर डाल के क्रश करेंगे। क्रश करने से जितने भी इसके सेल्स हैं वो आपस में जो जुड़े हुए हैं वो सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे और वो सेपरेट हो जाएंगे। तो पहला अमल है क्रश करने का। क्रश मैं यहाँ पे नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे शोर पैदा होगा, इसलिए मैं इसको सेपरेट टेबल पे अभी क्रश करता हूँ। जी, जब तक स्ट्रॉबेरीज क्रश हो रही है तो स्ट्रॉबेरीज के सेल से डीएनए निकालने के लिए हमें लाइसिस सॉल्यूशन कराना है, और लाइसिस सॉल्यूशन कराने के लिए हमें नमक, पानी और डिटर्जेंट चाहिए। इसके अंदर हम आधा टीस्पून नमक डालेंगे, इसमें हम डिटर्जेंट डालेंगे जो कि तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर होगा, और साथ हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी और इसे मिक्स करेंगे। और ये हमारा लाइसिस सॉल्यूशन तैयार है और यहाँ पे क्रश भी तैयार है। तो ये अच्छी तरह से मैंने इसको जो है जितनी स्ट्रॉबेरीज की दोनों उसको अच्छी तरह से क्रश किया। अब तकरीबन हाफ जो है हमारा जो लाइसिस सॉल्यूशन है वो हम इसमें डाल देंगे, और लाइसिस सॉल्यूशन डालने के बाद लाइसिस का मतलब ये है इसमें ब्रेक करना है। तो सेल जो है प्लांट सेल्स जो होते हैं उसमें एक आउटर वॉल होती है, फिर मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर जितने भी वाइटल मॉलिक्यूल्स हैं वो उसके अंदर होते हैं। तो एनिमल सेल्स में वॉल नहीं होती, उनको ब्रेक करना बहुत इजी होता है, लेकिन प्लांट सेल जो होते हैं थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए डिटर्जेंट हम यूज करते हैं या इसके लिए स्पेशल लाइसिस सॉल्यूशन होता है। तो जो हमने अभी लाइसिस सॉल्यूशन डाला है वो इसके अंदर हम डाल देंगे, इसमें थोड़ी हवा है, तो उसको उसी तरह से हमें क्रश करना होगा जिस तरह से हमने पहले स्ट्रॉबेरीज को क्रश किया है। हवा हम निकालेंगे इसलिए इसमें मिनिमम जो है वो एयर बबल्स पैदा हो, इसी तरह से हम इसको क्रश करते जाएंगे दोबारा से। क्रश करने का अमल जारी इसलिए रहेगा कि हम चाहते हैं कि जितने सेल्स हैं इसके वो अच्छी तरह से लाइस हो जाएं, और आपको तकरीबन 1 मिनट जो है वो देना होता है इसको अच्छी तरह से सॉल्यूशन को, ये जो हमारी स्ट्रॉबेरी थी इसको लाइस कर सके। तो इस तरह से हम इसको दोबारा से उसी तरह से क्रश करते जाएंगे, और कोशिश हमारी ये होगी कि सेल जो है वो मैक्सिमम लाइस हो जाए और उसके बाद इसको हम फिल्टर करेंगे। मुझे ये भी डर है कहीं ये जो है फट नहीं जाए,
इसलिए मैं आहिस्तगी से क्रश करने की कोशिश कर रहा हूँ और सेल्स ये जो स्ट्रॉबेरीज के हैं इनको लाइस कर रहा हूँ। इसके बाद ये जितना डेब्रिस है हम चाह रहे हैं ये फिल्टर करके ऊपर रह जाए और जितना इसका लिक्विड पोर्शन है वो हम फिल्टर कर लें। तो आपने तकरीबन एक मिनट देना है और एक मिनट देने के बाद ये जो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा इसको हम फिल्टर करेंगे। इसमें हम जो है फिल्टर पेपर भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया कॉफी का पेपर भी हम यूज कर सकते हैं और हम कुछ जो है वो कपड़ा भी यूज कर सकते हैं जिस तरह से अभी हम यूज करें ताकि इसे हम अच्छी तरह से फिल्टर कर सकें। ये आपको जो है वो फिल्ट्रेट जो है नजर आ रहा होगा हम इस तरह से जितना भी सॉल्यूशन है उसको अच्छी तरह इसको स्क्वीज भी हम कर सकते हैं। स्क्वीज करके हम इसको जितना भी हमारे पास फिल्ट्रेट है वो हम निकाल लेंगे। इसको हम वापस इसी में डाल देते हैं। और ये हमारे पास आ गया फिल्ट्रेट। अब इसमें डीएनए मौजूद है, इसमें दूसरे मॉलिक्यूल भी मौजूद हैं, प्रोटीन्स भी हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं। अब इसको जितना ये है उसमें उतनी मिकदार में ही हम अल्कोहल डालेंगे ताकि जो डीएनए है वो अल्कोहल से मिलकर प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो हम जितनी मिकदार ये है तकरीबन 30 ml के करीब है, तो हम इतना ही इसमें अल्कोहल डाल देंगे। जी अल्कोहल डालते ही इसमें व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट आना शुरू हो गए। आप जरा करीब आके दिखाएं कि ये आपको बहुत सारे धागे नजर आएंगे। ये बेसिकली जितने भी धागे हैं ये डीएनए है, ये सारा डीएनए इसमें प्रेसिपिटेट हो चुका है और ये आप जो है इस तरह से आइसोलेट भी कर सकते हैं। ये सारा डीएनए है और ये जो डीएनए है इसको आप जो है आप सेव कर सकते हैं। आप इसको ट्यूब में डाल के आप फ्रिज में रख सकते हैं। ये बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल होता है, आप इसे अभी भी एनालाइज कर सकते हैं, जेल पे रन करके देख सकते हैं डीएनए है। इसके अलावा आप इसे स्टोर कर सकते हैं, एनालिसिस करना हो, मसलन आपने कोई जीन आइडेंटिफाई करना है तो आप इसका पीसीआर कर सकते हैं और बेतहाशा इसके जो है एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन इस सारे करने का मकसद ये था कि हम आपको एक बहुत आसान तरीका, यानी वो तरीका जिसमें आप घर में भी डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से आज हमने हाउस होल्ड चीजें इस्तेमाल करके आपको डीएनए एक्सट्रैक्ट करने का तरीका सिखाया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे स्कूल के टीचर को, कॉलेज के टीचर को कि ये स्पेशल डे है, इस दिन की मुनासिबत से आपने स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इस तरह की एक्टिविटीज करें ताकि बच्चों को हम आसान से तरीके से इतना अहम मॉलिक्यूल आइसोलेट करना सिखा सके। बहुत शुक्रिया।